कटरा बस स्टैंड से जम्मू रेलवे स्टेशन जाते हुए मगाल क्षेत्र में एक बस JK02AN4971 में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इस बस में 38 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक बड़ा सड़क हादसा जो है सामने नजर आया, और आप सभी को बता दें कि कटरा के साथ लगते मगाल क्षेत्र पर वहां पर एक चलती बस पर जो है आग लग जाती है। और आप सभी को बता दें कि ये बस जो है वो कटरा बस स्टैंड से जम्मू रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी, और इस बस के बीच में 38 पैसेंजर्स जो है वो सवार थे। और आप सभी को बता दें कि आग लगने का कारण जो है वो जब ड्राइवर के साथ बात हुई तो उसने कहा कि वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से जो है आग लगी है। और आप सभी को बता दूं कि ये वो बस है जिस बस में जो है आग लगी, चलती बस जो है कटरा से जम्मू की तरफ जो जा रही थी पैसेंजर्स को लेकर, और इस बस के अंदर जो है 38 पैसेंजर सवार थे। और आप सभी को बता दें कि कोई भी जानमान का नुकसान जो है नहीं हुआ है, सभी पैसेंजर्स सेव हैं। और मौके पर जब दमकल विभाग की टीम को फोन किया तो वो 10 से 15 मिनट पर यहाँ पर पहुंचे और आग पर आकर आग पर काबू पा लिया, क्योंकि अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचते कहीं ना कहीं गाड़ी के टायर जल सकते थे, उसके बाद यहाँ की बस की जो है वो टंकी जल फट सकती थी। लेकिन मौके पर दमकल विभाग की टीम जो है यहाँ पर आग बुझा दी गई, और अभी भी दमकल विभाग की टीम जो है इस बस को जो है बिल्कुल आग बुझाने की बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी को बता दें कि जितने भी पैसेंजर थे वो बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि 38 पैसेंजर इस बस के बीच में जो है सवार थे। कटरा बस स्टैंड से जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए जा रही थी, इस बस में तकरीबन 38 पैसेंजर लोड थे, सब सेफ हैं, किसी का जानी नुकसान कोई नहीं है। बाकी गाड़ी को वायरिंग की प्रॉब्लम से आग लगी है, हमारा तो यही मानना है कि वायरिंग प्रॉब्लम से आग लगी है। तो उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, 15 से 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड पहुँच गई, उन्होंने आग को कंट्रोल किया, गाड़ी के टायर वगैरह नीचे टैंकी वगैरह फटने से बच गई, बाकी इंजन तो जल कर आग हो गया और गाड़ी जली हुई तो आपके सामने ही है सारी। कितने लोग बैठे थे गाड़ी में? 35 लोग हो गए। कहाँ जा रहे थे? ये कटरा बस स्टैंड से जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए। 10 मिनट के बीच में इनिशियल फेज में पहले थोड़ी सी आग लगी, यात्री सभी बाहर निकाले गए थे, तो इंस्टेंट 5 मिनट के बाद ही फायर स्टेशन को मैंने फ़ोन कर दिया था, तो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच गई थी, विद इन 15 मिनट्स वो आ गए थे। और पुलिस की बात करें तो पुलिस भी साथ ही में आ गए। आज 3:15 बजे मुझे कॉल आता है कि नुमाई नाका से 500 मीटर आगे जाकर एक यात्री बस जिसका नंबर JK02AN4791 है उसमें आग लगी है। इमीडिएटली मैंने फायर सर्विसेज और थाने की टीम को यहाँ से रवाना किया, और अच्छी बात ये थी कि ड्राइवर ने वो फायर नोटिस कर ली थी और पैसेंजर्स को पहले ही उतार दिया था, तो उसके चलते कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। माता रानी की कृपा रही कि ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाई और फायर सर्विस टीम भी मौके पर जल्दी पहुंच गई, जिसके चलते हमें कोई भी किसी भी यात्री का कोई तरह का नुकसान नहीं है। बस में क्या जानकारी अभी तक तक इन्फॉर्मेशन आई है, उसमें 35 से 40 यात्री थे जो विभिन्न स्टेट से आए हुए हैं, यहाँ से रेलवे स्टेशन जम्मू की तरफ जा रहे थे उस बस में। सर किसी किस्म की कोई, सबसे अच्छी बात यह है कि कोई इंजरी भी किसी यात्री को नहीं मिली, नॉट इवन द ड्राइवर, किसी को भी ऐसी कोई इंजरी नहीं। बस कटरा से जम्मू जा रही थी। बस कटरा से जम्मू की तरफ जा रही थी। थैंक यू सर। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट, तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बुहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191-255-4360-255-4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।